मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबों को जय मसीह की। आइए आज के इस शाम में हम लोग सीखेंगे कि हमको सोने से पहले किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। आज जो बातें, आज जिस तरह से हम आप लोगों को प्रार्थना करना बताएंगे, यदि आप उस तरह से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको रात में संभालेगा भी और आपको दर्शन देगा। पवित्र आत्मा आपको भेद की बातें बताएगा। आप जो प्रभु से पूछेंगे पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग विश्वास करें और आप लोग रोज़ सोने से पहले इस 2 मिनट की प्रार्थना को रोज़ दिन करें। आप यदि रोज़ दिन इस प्रार्थना को करेंगे, इस प्रकार प्रार्थना को करेंगे, तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी शांति को देखेंगे और अपने जीवन में सुरक्षा महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं और आज सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना को भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमको सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना आज के इस दिन के लिए, और धन्यवाद करना और प्रभु से अनुग्रह आशीष मांगना कि प्रभु जिस प्रकार आपने दिन भर संभाल के रखा, उसी प्रकार आज संभाल के रख और पवित्र आत्मा की बाड़ा हमारे घरों के ऊपर लगा। प्रभु आपके घरों के ऊपर पवित्र आत्मा की बाड़ा लगाएगा और आपको सुरक्षित रखेगा, आपको आशीष देगा। और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु को बोलना है कि प्रभु हमें अपना दर्शन दे, तो प्रभु आपको अपना दर्शन देगा और वो बातें करेगा। तो चलिए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद 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 करते मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता कि प्रभु जी आज के इस दिन में आपने हमें संभाल कर रखा, हमें आशीष दिया हमारे हर एक कार्यों पर। प्रभु जी आपने आशीष दिया, हमारे हर एक कामों को सफल बनाया। प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाला, हमें हर एक एक्सीडेंट से, हर एक बीमारियों से, हर एक संकटों से, प्रभु जी हर एक दुश्मनों से आपने हमें बचा के रखा। प्रभु जी जिस प्रकार आपने अभी तक हमें जीवित और भला चंगा सुरक्षित रखा, हमारे परिवारों में शांति बनाए रखा मेरे पिता, उसी प्रकार प्रभु जी आगे भी हमारी अगुवाई कर, हमारी रक्षा कर, हमारी सुरक्षा कर, हमारे जीवन में शांति बरसा, हमारे परिवारों में शांति बरसा मेरे पिता। आज के इस रात में प्रभु जी हम सोने जा रहे हैं मेरे पिता, आज के इस रात में हमें सुख शांति की नींद प्रदान कर और हमारे घरों के ऊपर अपने दूतों का बाड़ा लगा मेरे पिता। आपने बोला है मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी तेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तेरे डेरे के निकट ना आएगी। आज के इस रात में हम अपने हर एक भाई बहन को, हर एक माता पिता को, हर एक बच्चे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आज के इस रात में उन्हें सुरक्षित रख, उन्हें सुख शांति की नींद प्रदान कर, हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक बीमारियों से प्रभु जी बचा के रख और प्रभु जी हर एक गंदे सपनों से, डरावनी सपनों से बचा के रख मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने अपने वचनों में वादा किया, आपने अपने वचनों में बोला है कि प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। मेरे पिता अपने दूतों को आदेश दे आज की रात वो हमारी रक्षा करे, हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की, हमारे माता पिता की, सभी की आज रक्षा करे और सुख शांति की नींद प्रदान। मेरे पिता हम आपसे विनती करते हैं और प्रभु जी हमें एक नई सुबह, एक नई सवेरा दिखा पिता, ताकि फिर से हम आपकी महिमा कर सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप लोग डेली रात को सोने से पहले इस प्रार्थना को करें, प्रभु आपके जीवन में एक नया कार्य करेगा, आपसे बातें करेगा, आपको दर्शन देगा, प्रभु आपको संभाल के रखेगा, आपके परिवार के हर एक लोगों को प्रभु संभालेगा। तो चलिए, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।